क्या कहलाता था आज का एपिसोड, काफी मजेदार होगा। शुरुआत होती है सीरत की एंट्री से। कारव यहाँ पर सीरत को माँ नहीं सीरत करके बुलाता है। उसे लग रहा होता है कि ये सीक्रेट नेम है उनको सीक्रेट मिशन के लिए। और कार्तिक खुश हो जाता है कि चलो ये मम्मा नहीं इसको सीरत करके बुला रहा है। कारव यहाँ पर अंदर लेकर आता है उन्हें, यहाँ पर सारा सामान लेकर आ जाता है। तो वहाँ पर सीरत एक्सप्लेन करती है कि मैं मावड़ी को वहाँ नहीं छोड़ के आ सकती और हमारी आदत है कि हम सारा सामान साथ ही लेकर आते हैं। गायो भी नानी का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और कहती है कि कोई नहीं, ये आप ही का तो घर है, लोग भी तो तुम्हारे ही हैं, सारा सामान लेकर आए तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर दादी को और घर वालों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, मनीष को भी। और यहाँ पर रिया भी बहुत गुस्से में एक्सप्रेशन दे रही होती है। तो यहाँ पर कार्तिक और कायरव दोनों ही नानी और सीरत को घर के अंदर लेकर आते हैं। और दिखाया जाता है कि कायरव रुक जाता है अपने मम्मी पापा के रूम के आगे, कहता है कि सीरत और पापा का रूम तो ये है। वो अंदर लेके जाने वाला होता है, लेकिन जैसे ही पैर ऊपर उठाती है, जैसे घर रूम के एंट्री करने वाली होती है, सीरत वहीं अपने पैरों को रोक लेती है और कहती है कि बेटा अभी नानी की है मावड़ी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे रात को उनके यहीं रखना होगा। तो कायरव कहता है अच्छा ये भी सीक्रेट नेम है इनका। वो कहती है हाँ, और वो वहाँ पर उसको समझा देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उनका नानी के रूम में लेकर जाते हैं और कार्तिक उन्हें रूम दिखाता है। और वो कहते हैं कि वहाँ पर कायरव कहता है कि मैं आपको प्रीटी लेडी कह के ही बुलाऊंगा। और वो दोनों में दोस्ती हो जाती है, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं कायरव और नारी। और दिखाया जाता है वो अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पर कार्तिक उनको सब अपना रूम दिखाता है। पीछे से घर वाले काफ़ी परेशान हैं और दादी को बिल्कुल बात पसंद नहीं आती, वो सारा सामान उनका गैराज में रखवा देती है। और मनीष वहाँ पर कहता है कि कार्तिक इन लोगों का हमारे साथ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हम लोगों को कंफर्टेबल नहीं है। वो कह देता है कि मैं उनको आउट हाउस में बिल्कुल नहीं रहने दूंगा, वो रहेंगे तो हमारे साथ ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। पीछे से रिया उसको मनीष को भड़काते हुए नज़र आती है और कहती है कि यहाँ पर इन लोगों को पता नहीं क्या है, अब दो तीन दिन के लिए आए हैं, पता नहीं इनकी क्या वो चल रही है। तो रिया पर भड़काते हुए नज़र आती है, लेकिन सोना कहती है मैं कार्तिक को देखकर आती हूँ। दिखाया जाता है कि कार्तिक उसको देखता है गाय को, गाय वो वही येलो वाली साड़ी जो कि नायरा की साड़ी है, वो सीरत को देने के लिए जा रही होती है और काफ़ी खुश नज़र आ रही होती है। इसके बाद में कार्तिक कहता है कि ये साड़ी तो नायरा की है ना, तुम उसे क्यों देने जा रही हो, क्योंकि वो नायरा ही तो है, मैं उसकी साड़ी उसे तो देने जा रही हूँ। लेकिन कार्तिक साफ मना कर देता है और उसके हाथ से छीन लेता है। गाय कहती है एक दिन तुम ही खुद उससे नायरा कहकर बुलाओगे, देख लेना मेरे लिए तो वो नायरा ही है, और गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नानी कहती है कि तुमने उनको सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई, उस लड़के को तो बता ही दे, उस छोरे को तो सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। तो वहाँ सीरत कहती है कि हमारी प्रॉब्लम हमें नहीं बतानी चाहिए किसी को। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उनको घर खाली करवाकर उसके सोते रहे बाप ने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। और वो कहती है कि मुझे नहीं पसंद कोई मेरे ऊपर तरस का है, इसलिए मैं इनको सच्चाई नहीं बताऊंगी, हाँ मैं उस लड़के को ज़रूर बता दूंगी। और दिखाया जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई, और जिन्हें जो समझना है समझे, लेकिन मैं उस लड़के को तो सब कुछ सच्चाई बता दूंगी। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सब लोग बसंत पंचमी पर यहाँ पर पतंगबाजी भी करते हुए नजर आते हैं। कार्तिक और सीरत भी पतंगबाजी करते हैं और सीरत का ध्यान कहीं और रहता है, तो वहाँ पर रखे बॉल में बहुत सारे पानी में गिर जाती है सीरत, और वहाँ पर वो निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं रही होती और स्लिप हो रही होती है। तो सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, कार्तिक भी हंसने लग जाता है, तो सीरत कहती है मेंढक कहीं का। और कार्तिक शॉक्ड हो जाता है कि ये तो मुझे नायरा ही बुलाती थी। तो दोस्तों क्या सीरत यानी नायरा की याददाश्त वापस आ रही है, क्या उसे भी है नहीं है अंदाज़ा कि वो नायरा है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट छुपा है, आगे की अपडेट जल्दी ग्रह से होंगे। हमारे चैनल पर तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा?